सुस्वागतम, स्वागत है एक नए एपिसोड में ऑफ टट्टे चाटना सी। क्या करें, जिंदगी आगे तो बढ़ना पड़ेगा, क्या करें, कोई बात नहीं। ओके, इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, वीडियो अभी नहीं आ रही, आएगी ऑब्वियसली। काफ़ी लोग बोले हैं कि जब बारसा हरे और यूनाइटेड हरे तब कति धड़ल्ले से वीडियो आती, तब तो कोई रोकना नहीं है, पर आएंगी, कोई बात नहीं आएंगी। बट हु डजंट लाइक टू फील सरप्राइज्ड, डिप्रेशन के मरीज मेरे भाई, जिन्होंने यूवेंटस 1920-18-19 को देखा, लगातार देखा, ड्रग्स में पड़े रहे, कुछ एलेशन दिखी। मैं बात कर रहा हूँ गरम चाय की प्याली, कॉर्नफ्लेक्स उबल रहे हैं कति, बात सुनो, गरम चाय की प्याली, कॉर्नफ्लेक्स उबल रहे हैं कति, वेस्टन मकेनी, रामजी, रोनाल्डो, कुलुसेव्स्की, अरे कहाँ, आगमुद्दी, ओ नाइस, ओके। अब ना व्हेन यू वॉच दिस गेम, यूवेंटस वर्सेस सैम्पडोरिया, ऑब्वियसली यूवेंटस ने पिरलो को अपॉइंट क्यों किया, क्या टैक्टिकली और एलिवेट होना था, क्या सारी को नहीं पता था, नहीं ऐसी बात नहीं, यू वॉन्टेड अ प्लेयर टू फील, एक प्लेयर टू प्लेयर कनेक्शन, मतलब जो पिरलो एक्स प्लेयर है तुमको पता है। एंड यू नो, इस गेम को देखने के बाद रैम्बो इस गेम को देखने के बाद यू सॉ कि रामजी ने जो पोजिशन एक्वायर करी, यू नो, जैसे कि ये पोजिशन ऐसी पोजीशन एक्वायर, ना एक कोच जो प्लेयर रह चुका है फार माएस्ट्रो, वो ही वो कनेक्ट कर सकता है, राइट, कि कैसे मैनूवर करना देखो बिटवीन द लाइंस, तुम 3v2 तो बना लोगे, तुम टैक्टिकली सुपीरियरिटी तो बना लोगे, बट प्लेयर को बताओगे कैसे कहाँ का, समझ लो, वो कोच बता सकता है। एक कहावत है, पिरलो ने 70 फुट के लंड पीटर क्राउच के अगेंस्ट एक डुअल जीता था हेडर, पिरलो बोना है कैसे, पोजिशन, पिरलो का आंसर था पोजिशन एंड पोजिशन। दिस गेम हिट्स डिफरेंट, अगर तुम पिरलो की थीसिस को पढ़ो, थीसिस सुनने में सकते हो कि वाह, बट ऐसी बात नहीं, तुम गूगल पर जाओगे, ऐसे रेडिट पे तुमको ऐसा लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, वो थीसिस पढ़ो, मेरे हिसाब से काफ़ी फाड़ पढ़ो, उस थीसिस में सेवरल पॉइंट्स हैं, तुम अगर लिटरली जो बोल्ड पॉइंट्स हैं तुम उनको भी पढ़ोगे ना, देवर फुलफिल्ड इस गेम में। इस गेम को देखने के बाद भौचक्का, 3 शब्द निकल के आते हैं, पहला नीट एंड क्लीन, मैं बात कर रहा हूँ सफाई की, मैं बात करूँ द वे दे सेटअप, इट वॉज क्लीन की 5-3-2 विद द बॉल, विदाउट द बॉल 4-4-2, वो सब बकचोदी हम डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंड पॉइंट, लड़ तोड़ इंटेंसिटी, मिडिल फिंगर काफी है, और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बोनुच्ची ने दिया, बोनुच्ची भोसड़ू ने, कि सारी के अंडर हम एक साथ मूव करते थे, काफी ऑर्गेनाइजेशन, काफी स्ट्रिक्टनेस, रिजिडनेस थी, बट अगेंस्ट पिरलो से थोड़ी फ्रीडम दी, थोड़ा लूज छोड़ दिया और वन ऑन वन करने दिया, हमको अग्रेसिव होने दिया। चेलिनी का बेनिफिट क्या है कि उसके सामने को नंगा भाग रहा हूँ, मार लेगा, अंदर घुस जाएगा। मैकेनिकल टैकल देखो, खड़ा ना करो तो मेरे मुंह में मुंह देना, सिंपल सी बात। तो कुछ ऐसी गेम देखी, कुछ बॉल वॉज मूविंग फास्ट, एंड अगेन हम लाइनअप देखो, लिटरली अंडर 23 प्लेयर फ्राबोता को लेफ्ट विंग बैक खिलाया क्योंकि अलेक्सांड्रो इंजर्ड था, ये बकचोदी, यू ट्रस्ट पिरलो ने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खिला दिया, ही अर्नड इट, खिला दिया। वेस्टन मैकेनी कौन है, तो पिछले साल की में कौन था मुझे पता नहीं, लिटरली मुझे लगा कि मटवीडी का और टेक्निकल वर्जन है, थोड़ा भागने वाला, ऑब्वियसली सेकंड हाफ के एंड में राइट विंग पे खेल रहा था, बट वॉज प्लेइंग एन आर्थर रोल, आर्थर नहीं है, एंड आई थिंक वो कतल था। एंड इवन आफ्टर हिज गेम पिरलो बोल रहा है कि उसने 2-3 पासेस खराब करे, बट वी फॉरगेट हिम, द फॉरगिव, परफेक्शनिस्ट, देख रहे हो। इस गेम को देखने के बाद मुझे याद है यूवेंटस और जिडान की पहली गेम थी राफा बेनिटेस के जाने के बाद 2015-16 अगेंस्ट एस्पेन्योल, आई गेस भूल गया मैं जो भी है, वो काफ़ी नीट और क्लीन गेम थी, कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं पिरलो और जिडान के मैनेजरियल करियर को कह सकते हैं, मतलब पिरलो वैसा कुछ करेगा, बट ना यार, यू टॉक अबाउट चेंजिंग डायगनल, लुकिंग फॉर डायगनल्स, एक और पॉइंट प्रॉमिस्ड थीसिस में, लिटरली यू टॉक अबाउट दिस विच ही प्रॉमिस, ये एंड ये सेम फॉर्मेशन, ये सेम सेटअप यूवेंटस ने एक्वायर किया था, ये पिरलो ने थीसिस लिखी इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेयर्स ही विल हैव, एज अ जनरल की ऐसा वो चाहता है वो करा। पिरलो बोलता है कि उसके पास सर्टन आइडियाज हैं जो वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। सारे के अंदर मेन रणडी रोना क्या था कि रोनाल्डो वाइट जरा दिबाला अंदर घुस नहीं रहे क्योंकि दिबाला के ट्रेड्स बोलते नहीं, राइट। इस गेम में दो बंदे हमेशा डिफेंस को एंगेज कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर रोनाल्डो थोड़ा वाइट चला भी जाए यहाँ पे इस केस में, तो क्वाड्राटो बीइंग अ विंग बैक डिफेंडर्स को एंगेज करेगा, यानी कि एक शेप सर्टन मेंटेन करनी है, नीट एंड क्लीन, जो डिमांड किया वो करा, काफ़ी फार था यार, मुझे काफ़ी मजा आती बताऊँ तो, राबियो काफ़ी फार था, मैकेनी, फ्राबोत्ता कितना कतल था उनका विंग बैक जो अंडर 23 टीम का,
रोनाल्डो स्पेस ढूंढ रहा था, यू सॉ रामजी। एंड तुमने देखो एक पिरलो का एक और पॉइंट है, थर्ड मैन को ढूंढना। उसने कोट किया जावी को कि यू कैन नेवर प्रेस द थर्ड मैन, थर्ड मैन कैन नेवर बी प्रेस्ड। थर्ड मैन होता क्या? थर्ड मैन एक नतीजा है। एक माँ होती है, माँ माँ क्या करती है? अपने बच्चे के सारे दुख ले लेती है ताकि उसका बच्चा आज़ाद हो जाए। ये बकचोदी ना, यही था यहाँ पे आराम से बेंतांकूर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है। क्लाउडियो रानियरी ने अग्री किया कि हम अच्छे नहीं थे, कोई बात नहीं। आराम से रामजी को स्पेस मिला, रामजी को स्पेस मिलता, क्राउडेड आउट, रोनाल्डो फ्री। फ्री यानी कि जो उसका डिफेंडर है वो थोड़ा उसकी शेप आउटसाइड होगी थोड़ी, वो बकचोदी। रोनाल्डो गेट्स शॉट अवे, प्यारा गोल। थर्ड मैन का प्रॉपर एग्जाम्पल कि कैसे तुम थर्ड मैन इम्पल्स कर रहे हो प्लेइंग पासिस। रामजी ने सारे टेंशन सोक करी, रोनाल्डो को फ्री करा, मां के चोद। इंटेंट था 15-15 कितने शॉट्स ले लिए, 70% पोजेशन था। पिरलो की थीसिस में एक और पॉइंट है कि ट्रांजिशंस जो मैंने स्टडी करे दे टेक 10-12 seconds और 2 passes पर एवरेज। यू सॉ दिस मूव, आराम से रोनाल्डो निकला और रोनाल्डो ने जब पोस्ट हिट किया, जो प्रॉमिस था वो हुआ। एंड ही वॉज काम, और छोरी छिछोरी छेड़ा में चिंगम चबा के, क्या बात होती है। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम उसकी आवाज़ सुनो, इजी काम, ही एग्जीब्यूट्स, मुझे पता नहीं कोई वर्ड है, कामनेस। कुलुसेव्स्की का पहला गोल अपने डेब्यू में, आर यू किडिंग मी? ये परफेक्ट था, 3-0 था, परफेक्ट था। जो सारा कोटा, जो सारा डिप्रेशन दिया, अगेन अगेन इट साउंड्स कि मुझे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि मैं हाला फोर्जा जी मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली, बट 10% शेयर्स हैं मैड्रिड में, यूवेंटस में, तो झूठ बोलने में कि झूठ तो नहीं बोलेंगे ना ऑब्वियसली, तो हाँ मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बट ना यार, ना ना ना, मतलब तुमको पता है काफ़ी लोग बैक थ्री यूज़ करते हैं विद द बॉल, क्योंकि वो बैक थ्री नहीं रहता, क्योंकि दानियलो जब ऐसी पोजीशंस एक्वायर कर लेगा तो थर्ड डिफेंडर कहाँ रहा? माकी चूत, वो तो एक्स्ट्रा मिडफील्डर बन गया ना, सिंपल सी बात। यही तो काइल वॉकर करता था सिटी के साथ, यही तो लाइपजिग के बंदे कर रहे थे, यही तो अटलांटा। तो चीज़ों को मॉडर्न फुट पिरलो ने पता क्या किया, उसने बैक सीट लिया, कॉफ़ी पकड़ी अपनी जो भी बकचोदी, एंड उसने फुटबॉल को एनालाइज किया। अब वो चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं, ऑब्वियसली इजी टू से कि सैमडोरी अच्छी नहीं थी एंड टू अर्ली टू जज, बट अगेन तुमको पता हाइप करने में तो अपन यही काम है जिंदगी में और कुछ है नहीं। बट नहीं यार, आई एम एक्साइटेड। ओके, वी टॉकिंग अबाउट अ टीम जो अभी कंप्लीट नहीं है। दिस वॉज नॉट द बेस्ट यूवे 11, शुड आई से। दिबाला नहीं था, ओके, दे नीड टू बाय स्ट्राइकर, शायद से मोराटा आ रहा है, सुआरेज़ नहीं आया ऑब्वियसली, मोराटा लोन पे आ रहा है, विच मोराटा लोन पे आ रहा है पता मतलब मोराटा इतना मतलब तुमको पता, बट कोई बात नहीं। ओके, मोराटा आ रहा है, जेको नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, मोराटा आ रहा है। आर्थर अभी खेला नहीं, डेलिक्ट अभी आया नहीं, बुफोन के 42 साल के कड़कड़ाते टट्टे अभी टेस्ट हुए नहीं, शेज़नी काफ़ी फाड़ था ऑब्वियसली, बट स्टिल यूवेंटस फाड़ है, यूवेंटस फाड़ हो रही है। एग्जीब्यूटिंग कामनेस विद द बॉल, विदाउट द बॉल, विदाउट द बॉल 4-4-2। अगेन मैं ये सब चीज़ें तुम्हारे सामने फेंक सकता हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यूवेंटस बदल रही है, अगली गेम अगेंस्ट रोमा, कांट वेट टू सी। ओके, कुछ तो इंटरेस्टिंग, मतलब अगेन गरम चाय की प्याली, कॉन्फ्लिक्ट उबल रहे, कति रामजी, वेस्टर्न मैकेनी, देहान कुलुसेव्स्की।